लोकसभा चुनाव से पहले हर राज्य में खेला होता नजर आ रहा है। पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और अब हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि अब हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, जिसके बाद से अगले मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद नए सिरे से हरियाणा सरकार का गठन किया जाएगा। मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। अभी पहले पूरा घटनाक्रम जब हो जाएगा उसके बाद इस पर विस्तार से हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जनभावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जनभावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। आपको बता दें कि मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा है कि आज के घटनाक्रम पर मैंने 3 महीने पहले सिरसा में रिएक्शन दे दिया था। मैंने प्रदेशवासियों को बता दिया था कि बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का अघोषित समझौता हो गया है और इस बार बीजेपी के इशारे पर जेजेपी और आईएनएलडी वाले कांग्रेस के वोट में सेंध मारने अलग से फिर आएंगे।